मनोज तिवारी को मैं मारूंगा। किसको? मनोज तिवारी को चप्पल से मारूंगा। हेलो, नंबर वन पे है किसी में कर्जदारी में, कर्जदारी में सर चिल्ला रहे हैं 402 हम देश संविधान बदल लेंगे। बताइए पाकिस्तान से विवाद करते रखे इन लोगों के, इन लोगों की जबरदस्ती आप देखिए कि हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ना ही नहीं, हाथ पकड़ोगे नेहरू पे मोदी ने सारे बलात्कारियों का ठेका ले रखा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप सभी के? तुम्हारा फिर से आ गया आप सबके लिए एक और खबर लेकर। आज की इस खबर में हम लोग देखने वाले हैं कि जनता नाराज है, काफी ज्यादा परेशान है बीजेपी से, और यहाँ तक कि मनोज तिवारी को चप्पल से मारने के लिए जनता बोल रही है। तो आइए आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा, मैं पहुंच चुका हूँ कन्हैया कुमार की लोकसभा सीट। अब यहाँ पे युवा है, युवा इस बार युवा के साथ में है या मनोज तिवारी के साथ में है जानना बहुत जरूरी है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर यादव। क्या करते हैं आप? मैं लॉ करता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो इस बार आप किसके साथ में हैं यादव जी? इस बार हम गठबंधन के साथ में हैं और कन्हैया कुमार जी यहाँ से जो है लगभग 2.5 से 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 2.5 से 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। ये मेरा कोई हाँ मेरा हवा हवाई यहाँ के टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो मैं आपसे बात करूंगा, और मैं हालत कर रहे हैं, बात नहीं कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की? अरे वकील साहब है, इनको बोलने दीजिए पहले। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज आप बताइए कि जब बहस होती है तो वकील को दखलंदाजी दिया जाता है, वकील को पूरा मौका मिलना चाहिए पहले बोलने के। मैं हवा हवाई कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जमीनी सर्वे की बात कर रहा हूँ। मैं युवाओं में घूमता हूँ, यहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर यहाँ तक वजीराबाद जो भी गांधी बिहार में आता जाता हूँ ट्रैफिक में, और देखता हूँ मैं कि यहाँ पर हर जगह कन्हैया कुमार की हवा है, क्योंकि ये 2 बार से सांसद रहे हैं और इनका जमीन पे कोई विकास नहीं है। और ये जो है मनोज तिवारी जी की बात मैं कर रहा हूँ, ये 2 बार से सांसद है, इनका कहीं जमीन पे कहीं दिखावा नहीं है और कहीं दिखते भी नहीं है। मैं तो यहाँ भी बहुत दिनों से रह रहा हूँ, कहीं इनका पता नहीं चलता है। इनका फिर सोशल मीडिया पे सिर्फ विकास है। यहाँ पर जो आप विकास देख रहे हैं, जिस सड़क पे आप खड़े हैं, ये जो है कांग्रेस की देन है। यहाँ पर एक गिट्टी भी ये नहीं रखे हैं। अगर अगर ये लोग बोल रहे हैं तो इन लोगों के अंदर जो है सिर्फ भाजपा मय हो गए हैं ये लोग, मतलब अंधभक्त की तरह है। देश से कोई मतलब नहीं है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं इन लोगों को है, शिक्षा से कोई मतलब नहीं, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं इन लोगों को है, देश का भविष्य कहाँ जा रहा है इससे कोई मतलब इन लोगों को नहीं है। सिर्फ इन लोगों को हिंदुत्व से मतलब है, मुझसे बड़ा कोई हिंदू भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन इन लोगों को महाराज भगवान कृष्ण के वंशज है, आपका हम सर्टिफिकेट थोड़ी मांगेंगे, वही कह रहा हूँ। और इन लोगों को देश से और देश के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। चाइना डेली आंख दिखा रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या इन लोगों को पता है? कुछ नहीं पता है। यही थी गठबंधन की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव दौड़ाकर 3 किलोमीटर मारे थे, क्या ये लोग बात करेंगे? वैसा रक्षा मंत्री चाहिए, वैसी सरकार चाहिए। चीन आग दिखा रहा है, 2017 से लेकर के 17 में बदला, 19 में बदला, 22 में बदला, 2023 के और 24 में भी नाम बदल चुका है, वो 30 जगहों का नाम बदला अरुणाचल प्रदेश का। क्या कहेंगे भैया? सब कुछ तो भैया बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। 95 जैसे ज्यादा प्लेसेस के नाम बदल चुका है अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन ने, अभी अभी 2 हफ्ते पहले रिपोर्ट आई तब उसने बदले हैं। हाँ तो इसमें ये सही बोल रहे हैं, सब सही, शिक्षा की बात करते नहीं है। देखिए ये सबकी अलग अलग वो है ना, आप कौन सा टॉपिक उठाते हैं शिक्षा की भी मैं देखो, मैं एक चीज बता दूं, मैं किसान की बात करता हूँ, संविधान की बात करता हूँ, महिला की बात करता हूँ, युवाओं के रोजगार की बात करता हूँ, दलित पिछड़ा आदिवासी की बात करता हूँ, सवर्ण समाज की बात करता हूँ, अल्पसंख्यक समाज की बात करता हूँ, मैं सर्वधर्म की बात करता हूँ। बिल्कुल आप जैसे हैं तो आपको तो लिबरल होने चाहिए, सबकी करनी चाहिए। मैं खुद किसान का बेटा हूँ। तो राहुल गांधी की बात करती है ना शिक्षा मंत्री, जो हमारी शिक्षा मंत्री हैं, वो तो राहुल गांधी की बात करती हैं कि अमेठी में कौन चुनाव लड़ेगा। स्मृति ईरानी जो भी है, स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री, हाँ हाँ, जो शिक्षा मंत्री थी वो यही कहती हैं कि अमेठी में चुनाव कौन लड़ेगा, राहुल गांधी कब आएंगे, राहुल गांधी कहाँ जा रहे, राहुल गांधी जी कब तय हो गए रायबरेली से। एक मिनट, आप लोग कह रहे हैं संविधान की रक्षा, संविधान अभी आज बीजेपी की सरकार आया 10 सालों से, इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, सबसे पहले संविधान की जबरदस्ती करेंगे आप? नहीं नहीं, अरे ठीक है, सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश जो कॉलोनियलिज्म सिस्टम से हुआ करता था, सबसे पहले 1973 में कांग्रेस ने 2 जो वृद्ध न्यायाधीश थे उसके बावजूद भी तीसरे आदमी को उन्होंने मुख्य न्यायाधीश बना दिया। प्रस्तावना में किस प्रकार परिवर्तन किया इससे कोई भी वंचित नहीं है। उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से कोरम की जो थी सिस्टम, कोरम का सिस्टम कि कम से कम 40 सांसद रहने चाहिए उसके बाद ही संसद चलेगी, उसको भी खत्म कर दिया। चुनावी विवाद जो न्यायिक पुनर्वलोकन के अंतर्गत आता था
उसको भी उन्होंने उससे बाहर कर दिया। संविधान का जितना उल्लंघन कांग्रेस ने किया है अभी कल्पना नहीं कर सकता कोई और पार्टी। क्या कहेंगे भैया? देखिए इन्होंने जो कहा कि इंदिरा गांधी जी ने जो किया कि मतलब संसद में 40 से कम लोग जाएंगे या 40 लोग जाएंगे तभी संसद चलेगी। ये लोग संसद में जाते नहीं थे, उनकी लोगों की विचारधारा नहीं पसंद थी, देश को आगे बढ़ाने और तरक्की करने की बात करते थे, ये लोग संसद में नहीं जाते थे, उनको मजबूर होकर कानून को लाना पड़ा। आप इस चीज को समझिए, वो ऐसा क्यों किए हैं? बहुमत की सरकार आपकी थी, बहुमत की सरकार आपकी थी, बहुमत की सरकार थी, हमारी बहुमत की सरकार 1900 सुने हमारी तो 400 पार, हमारी तो 400 पार 1984 में राजीव गांधी के समय थी, हमने तो कानून नहीं बदला, हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का नाम नहीं लिया। आप तो चिल्ला रहे हैं 402 हम देश संविधान बदल लेंगे, बताइए 500 वर्ष से राम मंदिर भाई आगे आइए, आप रुक जाइए आगे आइए, आप 400 पार वाले आइए, 400 प्लस जाएगा, इधर आइए, बिल्कुल बिल्कुल आइए, सीपीटी बात कर लो कैसे 400 पार आएगा, कश्मीर की जनता को ये लोग गुमराह करके 70 सालों तक जम्मू कश्मीर की जनता के गुमराह करके ये लोग पाकिस्तान से विवाद करते रहे। इन लोगों की जबरदस्ती आप देखिए कि हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ना ही नहीं, हाथ पकड़ोगे, हाथ पकड़ोगे, हाथ पकड़ोगे, नेहरू पे भी बात करोगे, सुनिए पटेल पर भी बात करोगे, राजनीति करके पकड़ोगे, राजनीति करके मैं बोलूंगा जम्मू कश्मीर की क्या आप बात करते हैं? वही कांग्रेस सरकार की 500 रियासतों को तो मिलाई है, 500 रियासत मिला के भारत को बनाई है, कांग्रेस ने बनाई है, कहां थी आपकी बीजेपी? बीजेपी कांग्रेस बीजेपी सर एओहूम ने किया था उसकी स्थापना। भाई 75 साल हो चुके नेहरू को जाए हुए को, अब बात है मोदी की, मोदी पे यार वो लद्दाख तो रुका नहीं यार, उसपे अरुणाचल प्रदेश तो रुका नहीं उसपे, इनको समझाइए यार 75 साल हो जो क्या नेहरू की बात कर रहे हो, जो करंट की बात है उसकी बात करो ना, करो ना करंट यार, आपका आप यार किसकी बात कर रहे हो? इन नेहरू पर अटके हुए यार, अरे नेहरू कोई नहीं समझा सकता, को कोई नहीं समझा सकता, कोई नहीं समझा सकता, कोई सी भी बात कर लीजिए ऐसे जाएगा भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार में, कोई सा भी हो कुछ किया या नहीं किया तुम्हारे मोदी जी ने, कुछ किया या नहीं किया दुनिया जानती क्या 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 किया बताइए आप, बहुत कुछ बताइए, कितना किया है, क्या चीज क्या, आज इंडिया ना नंबर वन पे है, इंडिया गठबंधन नंबर वन पे, मेरा भाई सही कह रहा है, इंडिया गठबंधन नंबर वन पर है और एनडीए नंबर 2 पर भी नहीं है, 3 पर भी है, इंडिया गठबंधन भाई ने बोल दिया, इंडिया गठबंधन नंबर 1 पर है, राहुल गांधी पीएम बनने वाले हैं 4 जून को, सुन लीजिए राहुल गांधी पीएम बनने वाले हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है भाई, प्रधानमंत्री कोई भी बने पर मोदी नहीं बनेगा इस बार, 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 आप बोलते बहुत बढ़िया है, तो थोड़ा आप वक्ता बढ़िया है, श्रोता भी बनिए, आप अब बताइए 400 पार कैसे आएगा? 400 पार इसलिए आएगा, इसलिए मोदी के हर काम भले 2 काम किए हों, फिर काम इतने साफ किए हैं जो हद से ज्यादा साफ, कौन से है आज चोरी का काम, चोरी का काम साफ किया, क्या चोरी की मोदी ने ये बताओ है? क्या चोरी की? 6000 करोड़, 6000 करोड़, 6000 करोड़ चुराया, क्या चुराया बताओ, क्या चुराया? सिलेंडर 400 रुपए का आता था, 600 रुपए और एक्स्ट्रा लेगा हमारे घर से। अच्छा आप जिस जगह नौकरी करते हो 6000 में नौकरी करते हैं, आज 12000 में नौकरी करते हो आप, 12000 में नौकरी करते हो भाई, नौकरी ले ली भाई, नौकरी ले ली, बात ये है जैसे मैं जैसे तनख्वाह बढ़ी है ऐसे महंगाई भी बढ़ गई है, बात ये है देखो इनके लोगों को समझ में नहीं आएगा, भाई ने नहीं आने का, बीजेपी 400 सीटों पर लड़ ही नहीं रही हो तो 400 पार कहां से हो रही है, पहले इनसे पूछो, कांग्रेस का गठबंधन ही एक चीज, देखो पैमाने से जीत जाए तो मोदी, बेईमानी से जीत जाए तो मोदी, अरे बेईमानी से जीत जाए तो मोदी, और यही होगी, यही होगी, यही होगी, इसीलिए कांग्रेस हार रही है, सुनिए इसीलिए कांग्रेस, सुनिए आप, कांग्रेस खुद के साथ नहीं है, मोदी का कुछ काम बताइए, अध्यक्ष भाग जाते हैं छोड़ के, क्या ही आपके साथ, भाई भाई से एक सवाल करना है भाई, मोदी लहर में 2019 में 400 टच नहीं कर पाई पूरी एनडीए गठबंधन,
तो थोड़ा मुझे ये बता दो कि 400 पार अब जब लहर खत्म हो रहा है तो 400 पार कैसे जाएगा, थोड़ा सा डेटा बिल्कुल शांति से जवाब दे। आप बिल्कुल आप लूंगा, मैं कह रहा हूँ मैं कन्हैया कुमार, फिर आप हाथ पकड़े, मैं कह रहा हूँ मैं फिर आप, अरे इनका हाथ टच मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ एक से करे हाथ टच, दिखाओ विकास, दिखाओ विकास, दिखाओ ये जमीन, दिखाओ विकास, दिखाओ विकास, दिखाओ विकास, दिखाओ विकास, दिखाओ विकास, दिखाओ विकास, विकास अपने हाथ से कूड़ा मैं उठा रहा हूँ, विकास ये विकास, नहीं ये विकास, विकास नहीं है, नहीं है लेकिन मोदी जी कह रहे विकास, कहाँ है विकास, चलो ये बनारस, चलो बनारस, चलोगे बनारस, चलो बनारस, चले पार वाले कहाँ गए, 400 पार वाले, अब चाय कैसे बिकेगी भाई, चाय कैसे बिकेगी, अब चाय कैसे, मोदी गाली देने से काम नहीं चलेगा, पहले कांग्रेसियों को कांग्रेसियों के साथ होना पड़ेगा, ऐन वक्त पे चुनाव के प्रदेश अध्यक्ष, चले एक बनारस दिखाए, अपना बनारस दिखाए, हार रही है तुम ही लोगों से, हम एक चीज कहना चाहेंगे कि बृजभूषण सिंह जो है अगर वो दोषी है तो वो अंदर क्यों नहीं है, और अगर वो दोषी नहीं है तो उसका टिकट काट के उसके बेटे को टिकट क्यों दिया गया है, अगर वो दोषी है तो वो बाहर क्यों घूम रहा है भाई, और अगर दोषी नहीं है तो उसके बेटे को क्यों टिकट दिया है, भैया सारे बलात्कारियों का ठेका ले रखा है मोदी ने, सारे बलात्कारियों का ठेका ले रखा है, हाँ चाहे बनारस का हो या कर्नाटक का प्रणब का हो, हाँ उसका मोदी मोदी कोई भी स्टेज पे जा रहा है अभी, उसका कोई भी चुनावी सभा देख लो, वो अपना क्यों नहीं बताता है कि हमने ये किया वो किया, मैंने बेरोजगारी दूर किया, नहीं नहीं एक लड़का एक मिनट भाई, वो ये क्यों नहीं कह रहा है कि मेरा मैंने मतलब रुपये को मजबूत करा, मनोज तिवारी को मैं मारूंगा, किसको, मनोज तिवारी को चप्पल से मारूंगा, जनता साहब बहुत ही नाराज है। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा और आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताएं, और हाँ मैं आप लोग से यही कहना रहूंगा कि आप लोग उसी इंसान को वोट दें जो आपके भविष्य के बारे में और हमारे देश के बारे में अच्छा सोचे और अच्छा लीडर हो, उसी को वोट दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।